हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम जयसवाल बायोलॉजी क्लासेस। और चलिए मैं आप अगले सीरीज पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव है। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, इसको कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, दोस्तों हम देखने वाले हैं नीट सिलेबस जो है, तो इसके अंदर ओल्ड और न्यू में क्या क्या ऐड हुआ है, इसका हमको कंपैरिजन करना है और इसका हमको जजमेंट लेना है कि क्या ओल्ड में क्या था, न्यू में क्या आ गया, न्यू में क्या था, ओल्ड में क्या कट हो गया, सब हम ये देखेंगे। और आज हम देखने वाले इस सीरीज का अगला हिस्सा, दैट इज द यूनिट 5, जो कि आपके 11th एनसीईआरटी बुक का लास्ट पार्ट है। और इसके अंदर एक 7-8 टॉपिक का पोर्शन है दोस्तों, तो ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। मैं ज्यादा आप यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट मैं आता हूं अपने पार्ट पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन। इसमें का पहला पोर्शन हम देखने वाले हैं रिलेटेड विद द डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। दोस्तों ये पूरा के पूरा टॉपिक रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। काफी बड़ा टॉपिक, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, डाइजेशन एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ द प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, उसके बाद में इजेशन, बाद में न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव एंड डिसऑर्डर्स, उसके कुछ दिए वाले हमको, जैसे कि न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हमको PEM जो है, उसके बाद में इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ओमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया। दोस्तों इतना बड़ा की बड़ा पूरा टॉपिक आपके लिए, गुड न्यूज बता रहा हूं मैं, ये टॉपिक पूरा की पूरा यहां से कट हो चुका है। इसलिए चलो खुशी की बात है, एक पूरा एक टॉपिक, हालांकि मुझे नहीं पता है क्यों कट कर दिए, मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक रहना चाहिए था आपके सिलेबस में से, लेकिन इसको आपके सिलेबस में से कट कर दिया है, तो चलो अच्छी बात है। इसमें बहुत बड़ा एंजाइम वाला पोर्शन था, अब इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको अगले पार्ट पे लेता हूं। अब यहां पे 1 नंबर है, तो 1 नंबर तो रहा नहीं, इसलिए मैं सेकंड जो पार्ट है उसको भी मैं 1 नंबर ही लिखना पसंद करूंगा और फिर हमको कंपेयर करने में आसानी होगी। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से 1 नंबर ही आएगा यहां पर, जो कि हमारे सिलेबस में है, दैट इज द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, रिकॉल ओनली, मतलब जस्ट एक शॉर्ट में दिए वाला है हमको अदर एनिमल्स के बारे में इसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब यहां से आगे डिटेल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम उसमें काफी वैल्यू है दोस्तों, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। अब डिसऑर्डर हर ह्यूमन फिजियोलॉजी हर टॉपिक में आपको डिसऑर्डर्स मिलेंगे। यहां पे देखिए अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और टॉपिक खत्म होगा। और एक बात, यहां ओल्ड और न्यू में कोई फर्क नहीं है, जो ओल्ड सिलेबस में करना पड़ रहा था वही आपको यहां करना पड़ेगा, कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स चलिए, ये पूरा के पूरा पार्ट एज इट इज आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे हम जाते हैं जल्दी से ही, सेकंड पार्ट, मतलब जो कि ओल्ड सिलेबस में थर्ड हुआ करता था, न्यू सिलेबस के हिसाब से वो सेकंड है। तो देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये पार्ट पूरा के पूरा हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आएगा, जिसमें लिम्फ सर्कुलेशन आएगा। और इसके कंटेंट मैं एक बार आपको रीड करा देता हूं, बॉडी, ये सारे के सारे कंटेंट के आपको हेडिंग दिखेंगे आपके पूरे टॉपिक में, एनसीईआरटी बुक सामने रख के बैठा कीजिए जब मैं बताता हूं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और आखिर वाला पोर्शन डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आता है हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद में आएगा आखिरी में एंजिना पेक्टोरिस और हार्ट फेल्योर। देखो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पार्ट फिर बताता हूं आपको, ओल्ड और न्यू सिलेबस में एक सिंगल वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, पूरा के पूरा आपको करना ही पड़ेगा। आते हैं हम नंबर 3 पर, जो कि ओल्ड सिलेबस में 2 नंबर पे, सॉरी यस 3-4 नंबर पे दिया वाला है, यहाँ पे 3 नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 नंबर अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है आपके, या हर एक हिस्सा एक एक टॉपिक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें अमोनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म, ये अलग अलग एनिमल का हमको हर टॉपिक में, जैसा स्टार्टिंग में सब शॉर्ट में दिए वाला है। उसके बाद देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल है, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन, उसके बाद में एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर ANF, ADH,
उसकी ADHA हार्मोन एंड डायबिटीज इंसिपिडस रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, जैसे अदर ऑर्गन स्किन, बाकी लंग्स, लिवर, उनके बारे में, डिसऑर्डर से यूरेमिया, रेनल फेल्यूर, रेनल कैल्कुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी, पूरा आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे यहीं पे 12th में ही। इतना सब के सब सिलेबस आपके यूनिट 5 में दे वाला है पूरा ह्यूमन बॉडी का। तो फ्रेंड्स ये सेम टू सेम है, आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं जानबूझ के दोनों साइड बाय साइड रखता हूं, आपको कंपेयर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं दोस्तों, नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। 4 नंबर पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर हमको मिलेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर आएंगे हमको स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसके अंदर सिलियरी, फ्लैजेलर, मस्कुलर मूवमेंट है, स्केलेटल मसल के थ्रू होने वाली मूवमेंट है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल में काम करते हैं एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन। फिर आती है स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर पूरे बोन्स की स्टडी है हमारे, उसके फंक्शन है। टू बी डील विद द रिलेवेंट प्रैक्टिकल सिलेबस, ठीक है, सिलेबस कॉलेज के प्रैक्टिकल में भी आपको ये दिखाएंगे सारे बोन्स वगैरह उसमें। ज्वाइंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, 3 सिस्टम है दोस्तों इसमें, एक मस्कुलर सिस्टम, ज्वाइंट और हमारे बोन। तो ये तीनों के डिसऑर्डर भी दिए वाले होंगे यहाँ पे। देखिए स्केलेटल सिस्टम, देखिए मायस्थेनिया ग्रेविस, उसके बाद में टिटनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, ऐसे पूरे के पूरे यहां पर है कुछ डिसऑर्डर्स एट द एंड। इधर भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, सिंगल वर्ड भी यहां बदला नहीं है। टॉपिक एज इट इज, पोर्शन एज इट इज, ओल्ड न्यू सिलेबस में कंपेयर करेंगे अगले पार्ट पर, दैट इज द पार्ट नंबर 5। तो 5 नंबर का पार्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक में दोस्तों न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। देखिए अब मैं बाजू में हटता हूं, ये ओल्ड सिलेबस देखिए आप, यहां पे आपके ध्यान में आएगा। मैं आपको फिर एक बार कंपेयर करा देता हूं, यहां कुछ चेंज दिखेगा आपको। देखिए इंपल्स के बाद यहां कुछ दिया है ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में वो नहीं है। तो चलो ये भी खुशी की बात है। इंपल्स के बाद यहां से आगे रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, काफी बड़ा पोर्शन है दोस्तों। दिखने में यहाँ पे 2-3 लाइन दिख रहे हैं आपको, बट ईयर का स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर, आईबॉल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, बहुत डिटेल्स थे, अच्छा खासा था सिलेबस, सबके सब जा चुका है, खुशी की बात है। ये पोर्शन आपका कम हो गया, नर्व इंपल्स वाले पार्ट पे आने के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए इसको आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीड करना पड़ेगा, यहां स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है इस जगह, सेंट्रल ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। सो फ्रेंड देखिए अगले पोर्शन पे हम जाते हैं, और यहां नेक्स्ट वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, पार्ट नंबर 6 अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। इसके हिसाब से ये आखिरी वाला पोर्शन है, यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरे हार्मोन के बारे में ये पार्ट है हमारे सिलेबस में। तो देखो केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पूरे के पूरे बॉडी में हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, हार्मोन जो भी है तो सब आएंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में सब ग्लैंड की लिस्ट एक बार रीड करा देता हूं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनेल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, गोनैड्स, ये सारे के सारे ग्लैंड्स के हमको स्ट्रक्चर और हार्मोन्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन एग्जैक्टली किस तरह से एक्शन करता है उसके एलिमेंट्री आइडिया दिए। रोल ऑफ हार्मोन्स एज अ मैसेंजर एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हार्मोन कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा। इसके कॉमन डिसऑर्डर जो हमको दे रखे हैं यहाँ पे एग्जांपल, डॉर्फिज्म, एक्रोमेगली, क्रिटिज्म, गोइटर, एक्सोथर्मिक गोइटर, डायबिटीज, उसके बाद एडिसन्स डिसीज, ये सब एंड में लिखा दिए यहाँ पर, लेकिन टॉपिक में एंड में नहीं आते, बीच बीच में आते रहते हैं, हर ग्लैंड के बाद उसके डिसऑर्डर दिए वाले है। तो दोस्तों चलिए अब ये 6th वाला पोर्शन लास्ट था, और यूनिट जो था हमारा यूनिट नंबर 5, आपके समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हर टॉपिक में तो ज्यादा कुछ कट हुआ नहीं, नर्वस सिस्टम में एंड में कुछ कट हुआ है, स्टार्टिंग में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक हट चुका है। और देखते रहिए सारे वीडियो लेक्चर्स अपने और आपके पुराने और न्यू सिलेबस के कंपैरिजन में। कोई भी डाउट रहा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स चलिए यहां रुकता हूं, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, पढ़ते रहिए और वीडियो लेक्चर रेगुलर देखते रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।